हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए हॉट एंड सावर सूप की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत आसानी से बन जाएगा और बहुत स्पाइसी और यमी बनेगा। तो चलें करते हैं स्टार्ट। एक मैंने गाजर लिया है, जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है, और मैंने कैबेज ली है, बंद गोभी जिसको भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है, एक मैंने शिमला मिर्च ली है, 3 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर के लिए हैं, 2 चम्मच मैंने सोया सॉस के लिए हैं, 2 चम्मच मैंने चिली गार्लिक सॉस के लिए हैं, 7 से 8 चम्मच मैंने लहसुन के लिए हैं, 2 चम्मच मैंने सिरका लिया है, 1 चम्मच मैंने नमक लिया है और 1 ही चम्मच मैंने काली मिर्च ली है, और ये 1 चम्मच मैंने हॉट चिली सॉस ली है। 1/2 kg मैंने चिकन लिया है, जो कि बोनलेस नहीं है, जैसा नॉर्मल चिकन होता है वैसा ही, और 2 मैंने एग्स लिए हैं, जिसकी हम सिर्फ एग वाइट डालेंगे, इसमें इनके फेदी जो है सिर्फ हम ऐड करेंगे इसमें सूप में। देसी में हम 3 से 4 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे, और इसके बाद जो हमने लहसुन लिया था वो इसमें ऐड करके थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें अपना चिकन ऐड करेंगे और चिकन को हम वाइट होने तक पकाएंगे। वाइट होने के बाद हम 3 से 4 मिनट तक इसको पकाएंगे। ये स्टेप फॉलो करने से, जो कुछ लोग कहते हैं हमारे सूप में से चिकन हमें स्मेल आती है, इससे आपकी चिकन में सूप में चिकन की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा कि चिकन की कोई स्मेल सूप में से आ रही है। अब हम लहसुन में 5 मिनट तक इस चिकन की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक वीडियो को कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। 5 मिनट भुनाई करने के बाद मैं इसमें 1.5 लीटर पानी ऐड कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर दूंगी, ताकि चिकन में नमक और काली मिर्च का जो है टेस्ट वो डेवलप हो जाए। नमक और काली मिर्च को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके पकने देंगे। 15 मिनट्स हम मीडियम फ्लेम में पकाने के बाद चेक करेंगे कि हमारा जो चिकन है वो गल गया है कि नहीं। अब मेरा यहाँ पे चिकन गल चुका था और अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी सारे चिकन को। फ्रेंड्स, हर घर का अपना टेस्ट होता है, हर घर की अपनी रेसिपी होती है। अगर एक घर में 3 औरतें हैं तो 3 औरतों की रेसिपीज डिफरेंट होती हैं। कोई मुझे ये ना बोले कि इसमें तो ये नहीं डलता, इसमें तो वो नहीं डलता, आप तो गलत तरीके से बना रही हैं। ये मेरी अपनी रेसिपी है, जिस तरह से मैं बनाती हूँ, जिस तरह से मेरा मतलब के दिल करता है बनाने, मैं उसी तरह से बना रही हूँ। जहाँ पे कुछ लोग मोटिवेट करने वाले होते हैं, वहाँ पे कुछ लोग इस तरह की बातें करके हमें डीमोटिवेट भी करते हैं। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो ज़रा थोड़ा सा हाथ होला ही रखिएगा। अब इस सूप में मैं बंद गोभी ऐड कर दूंगी और उसके बाद मैं इसमें गाजर को ऐड कर दूंगी और इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। इस स्टेज में मैं इसमें नमक और काली मिर्च ऐड कर दूंगी। फ्रेंड्स, आप इस तरीके से सेम फॉलो करेंगे तो आपका सूप भी सेम मेरे जैसा ही बनेगा। कुछ हम इस तरह से करते हैं कि वीडियो को एंड तक नहीं देखते और फिर हम सोचते हैं कि हमारी तो ये चीज़ उस तरह की बिल्कुल भी नहीं बनी। तो आप वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। इसके बाद मैं अभी इसमें श्रेडेड चिकन ऐड कर दूंगी। मैंने इसे ज़्यादा बारीक नहीं किया, थोड़ा सा मैंने इसे जो है मोटा मोटा रखा है, क्योंकि मेरे घर में इस तरह से ही लाइक किया जाता है। आपके घर में अगर बारीक वाला किया जाता है लाइक, तो आप इसको ज़्यादा बारीकी से श्रेड कर लें। अब मैं इसमें सोया सॉस और जो हॉट चिली सॉस है वो ऐड कर दूंगी, और साथ में ही मैं चिली गार्लिक सॉस, ये जो केचप वाली होती है वो वाली मैं ऐड कर दूंगी। इससे आपके सूप में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब मैं इसमें सिरका ऐड कर दूंगी। अब
15-20 मिनट पकाने के बाद अब मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड करूँगी। इस स्टेज पे हम शिमला मिर्च ऐड करेंगे। अगर पहले गोभी और गाजर के साथ ऐड करेंगे तो शिमला मिर्च का हमें नामो निशान नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये थोड़ा जल्दी गल जाती है, इसलिए हम इसे बाद में ऐड करेंगे। अब फिर मैंने इसे 10-15 मिनट पका लिया है। अब ये जो था, मैंने 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया था, इसे मैंने पानी के साथ मिक्स कर लिया है। आप देख लीजिएगा, अगर आप ज़्यादा थिक करना चाहते हैं अपना सूप तो आप 4-5 चम्मच भी ले सकते हैं। मैं जो है, हमारे घर में थोड़ा सा पतला लाइक किया जाता है, तो मैंने थोड़ा पतला ही रखा है। उसके बाद मैंने एग वाइट, 2 एग लिए थे मैंने, उसको हम एक साथ में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे, चम्मच चलाते जाएंगे। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। एग डालने के बाद भी हम इसको तकरीबन 8-10 मिनट तक पकाएंगे। सूप को हम जितना पकाएंगे सूप उतना ही अच्छा बनेगा। अब हम इसे निकाल लेंगे बोल में और सर्व कर देंगे। फ्रेंड्स, आप ये सूप बनाइए, ये रेसिपी फॉलो करिएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी लाजमी करिएगा, और मुझे बना के आप बताइएगा कि आपका सूप कैसा बना। सर्दियों का मौसम है, एंजॉय करें। फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।